दोनों चुनाव में 50-50 का रेशियो दोनों पार्टी के बीच में चला है। कुछ भी करना होगा तो फिर दोनों पार्टी बैठकर तय करेगी। बीजेपी का जितना कार्यक्रम है, सब कार्यक्रम में हम शामिल हों और हमारे कार्यक्रम में बीजेपी शामिल हो, यह तो कोई जरूरी नहीं है। हम लोग का कार्यक्रम है, हम लोग करते हैं, वो अलग अलग पार्टी है, अलग अलग कार्यक्रम होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के अब सियासी पारा जो है वो गर्माने लगा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया कि जो पहले का फार्मूला रहा है एनडीए के अंदर का, यानी कि 50-50 का फार्मूला, वही फार्मूला लागू होगा, क्योंकि अब तक वरिष्ठ नेताओं ने मिलजुल कर बैठक नहीं की है, इसलिए कुछ विशेष रूप से नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, कोई नया फार्मूला तैयार नहीं हुआ है, इसलिए सीटों का बंटवारा भी पहले के फार्मूले पर होगा। हालांकि बीजेपी के नेता पहले से दावा करते रहे हैं कि 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार पिछली दफ़ा जीत कर गए थे। 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं, MLCs के चुनाव होने हैं, 24 MLCs चुने जाने हैं स्थानीय प्राधिकार के माध्यम से। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बात कह दी है, बड़ा दावा कर दिया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। यह जो इशू है, इसमें दोनों पार्टी मिलकर बैठकर तय कर लेगी किन सीटों पर, किस सीट पर किस पार्टी को लड़ना है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी तक उस रूप में अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ है जिसके बारे में हम आपको बता दें। हम मोटे तौर पे जो पुराना चल रहा है अब तक, उसके बारे में हमने बार बार कहा है कि इस चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। RJD JDU फिर से जब एक बार साथ में आया, तब से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में 50-50 का रेशियो दोनों पार्टी के बीच में चला है। तो पुराना डिसीजन यही है। आज इस चुनाव को लेकर के अंतिम रूप से जब बात होगी, तय होगा, फिर हम बता पाएंगे। लेकिन इस चुनाव में भी तो 50% आप लोग हकदार हैं ना। हम तो बता रहे हैं कि पुराना निर्णय कहीं भी तब तक इम्प्लीमेंट रहता है, लागू रहता है, जब तक नया कोई निर्णय ना हो। तो नया निर्णय तो अभी कोई हुआ नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से पुराना निर्णय तो यही है कि दोनों पार्टी के बीच में 50-50 का डिवीजन सीटों के मामला को लेकर के है। तो बीजेपी का 3 नुकसान हो जाएगा। अब किसका नुकसान और फायदे की बात हम नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि वैसी कोई स्थिति, मैंने कुछ भी करना होगा तो फिर दोनों पार्टी बैठकर तय करेगी। कार्यक्रम है, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, अब इस पर मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है। बीजेपी का कार्यक्रम है, हर पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करती है, तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, इसमें क्या टिप्पणी होगी। तो आप लोग सर सूर्य नमस्कार क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए, सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते हैं जैसा कहा है। सूर्य नमस्कार योग का एक आसन है, और उसके तहत कोई व्यक्ति कभी एक दिन साल में करता होगा, हम तो लगभग रोज करते हैं। तो लेकिन स्वास्थ्य के कारण से करते हैं, दिखावा के लिए नहीं करते हैं। तो स्वास्थ्य के कारण से करना एक अलग चीज़ है, या पद्धति है योग की पद्धति, तो उसमें एक सूर्य नमस्कार भी आता है, तो एक अलग विषय है। लेकिन कोई समारोह के रूप में कोई पार्टी कर रही है तो फिर उनका मामला है, उसमें हमारी क्या टिप्पणी। योगी का मतलब क्या होता है? बीजेपी का जितना कार्यक्रम है, सब कार्यक्रम में हम शामिल हों और हमारे कार्यक्रम में बीजेपी शामिल हो, यह तो कोई जरूरी नहीं है। दोनों पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम होता है, और उसके हिसाब से उनका कार्यक्रम है वो लोग करते हैं, हम लोगों का कार्यक्रम है हम लोग करते हैं, वो अलग अलग पार्टी है, अलग अलग कार्यक्रम होता है। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। वहीं बीजेपी की ओर से जो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया जाना है आगामी 12 जनवरी को, उसको लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये कह दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो कार्यक्रम बीजेपी का हो उसमें जेडीयू सम्मिलित हो, और ये दिखावे वाली बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सूर्य नमस्कार बीजेपी कर रही है, करना भी चाहिए, लोग इसे फॉलो भी करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसे दिखावा भी कह दिया है इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यक्रम को। तो देखना अभी होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो तल्ख टिप्पणी की है उसको लेकर अब क्या बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं, और जो बड़ी डिमांड हो गई है कि हाँ 50-50 का ही फॉर्मूला होगा, यानी कि 12 सीटें जेडीयू के कोटे में, 12 सीटें बीजेपी के कोटे में, क्या ऐसा होगा आने वाले समय में? सीटों का बंटवारा कब तक होगा? वरिष्ठ नेताओं की बैठक कब तक होगी? NDA के अंदर क्या सब कुछ ठीक रहेगा 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव से पहले? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।